हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग मौज में होंगे, मस्ती में होंगे और गेट 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, सो आई पंकज मिश्रा वेलकम यू ऑल एन अकेडमी कंप्यूटर साइंस प्लेटफॉर्म। गाइस दिस इज योर प्लेटफॉर्म बिकॉज यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन दिन भर लेकर आती रहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है। जितने मैक्सिमम लोग यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे आज उतना उनका फायदा होगा, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत डिटेल में विद वर्किंग नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस से क्वेश्चन गेट में आए हैं और जो उसके पैरेलल एग्जाम्स होते हैं लाइक PSUs, वहां पर तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से सारे लोगों को यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए, फटाफट सारे लोगों को यहाँ पर जोड़ लीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ेंगे उतना फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, सो मायसेल्फ पंकज मिश्रा क्वालिफाइड गेट 3 times एंड आई ऑल्सो क्वालिफाइड HAL ISRO एंड DTU एंड आई हैव गॉट 7+ years टीचिंग एक्सपीरियंस एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और जो मैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट लेता हूँ COA, कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन, सो ये सारे सब्जेक्ट्स मैं लेता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप में से किसी को भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है सो यू कैन यूज माय दिस कोड PLIFE। आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हो PLIFE। जैसे आप मेरे कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपकी फीस होगी सब्सक्रिप्शन फी, उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टोनी सिंह, गुड मॉर्निंग। कल हाँ टोनी सिंह, कल क्लास आपका बीच में रह गया था, कल कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। ओके अलीशा कुमारी, गुड मॉर्निंग। ओके अलीशा, यू आर वेटिंग फॉर दैट। ओके सो वी विल डिस्कस इन डिटेल एवरीथिंग, वी विल डिस्कस इन डिटेल हियर। ओके सो डोंट वरी। एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? ओके, देयर आर द बेनिफिट्स। यू विल गेट व्हाट, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, प्लस यू विल ऑल्सो गेट व्हाट, रिकॉर्डेड वीडियोज। ओके, and you will get what, test series, mock test, weekly test, quizzes, crash courses, rank improvement batches, yes, जी हाँ, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। Structure schedule, you will get what, structure schedule, you will get what, unlimited practice questions, so these are the benefits of the plus subscription, and what are the benefits of the iconic subscription, you will get what, personal coach, one-to-one coach, okay, during the preparation, if you are feeling any problem, then you can ask the solution of that problem from your coach, from your one-to-one coach. Okay, you will get what, study planner, you will get what, guidance from the experts. So these are the benefits, my dear friends, of the iconic subscription. Good morning everyone, good morning. Session ko like kariye aur share kariye, apne attendance ko mark kariye. Theek hai, agar aap log meri unacademy par profile follow karna chahte hain to jinke paas unacademy learning app hai वो पंकज मिश्रा टाइप करेंगे, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, उसको फॉलो कर लेंगे। उससे फायदा क्या होगा आपको कि जितनी भी मैं वहां पर फ्री स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, वो आप लोग देख पाओगे, वॉच कर पाओगे और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों की पूरी टीम है। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हो तो इस टीम को ज्वाइन कर लोगे आप। ये हम लोगों की पूरी टीम है, विश्वदीप सर, मलेशियम सर, सतीश सर, खलील सर एंड मी पंकज मिश्रा। तो दिस इज द टीम, इस पूरी टीम को आप लोग ज्वाइन कर लोगे और एंजॉय करोगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो सर, आई एम IIT बॉम्बे मैकेनिकल। ओके सो वेरी गुड टेक्निकल, वेरी गुड मुसाफिर, वेरी गुड। सो हेयर यू विल गेट व्हाट, यू हैव व्हाट, यू कैन टेक व्हाट, 6 months सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। सो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेटर होगा। थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में हो तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग लीजिए। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करोगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे PLIFE। आइकॉनिक में भी आपका यही है, 6 months का सब्सक्रिप्शन है, 12 months का, 24 months का, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोग चूज करोगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जैसे आप मेरी कोड यूज करोगे PLIFE। अंडरस्टैंड एवरीवन, आगे मूव करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग सारी की सारी फीस एक बार में नहीं पे कर पा रहे हो
तो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चूज कर सकते हो, ईएमआई में पे कर सकते हो। जैसे आप मेरा कोड पी लाइव यूज करोगे आपकी फीस हो जाएगी 22,500। यस यस केशव राणा, यस यस केशव राणा, ओके केशव राणा, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड, वीकली टेस्ट इंक्लूडेड, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड, ओके रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस इंक्लूडेड, क्रैश कोर्स इंक्लूडेड, दीज आर थिंग्स इंक्लूडेड इन अ सिंगल फी। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड केशव राणा, केशव राणा प्लीज शेयर द सेशन एंड लाइक द सेशन। एंड आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, नेटवर्किंग डिवाइसेस, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। शो टोनी अलीशा, इस ग्रुप को आप सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए, t.me/unacademygatecs। इस ग्रुप को आप जैसे सारे लोग ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी पीडीएफ तो आपकी क्लासेस की यहाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। आर यू रेडी गाइस, आर यू रेडी फॉर द टुडे सेशन? गाइस प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है। सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस की वर्किंग को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ डिटेल करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? केशव राणा, आर यू रेडी फॉर द टुडे सेशन? सारे लोग रिप्लाई करिए, सारे लोग, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिटेल में, नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग यहां पर आज। अंडरस्टैंड? आर यू रेडी? रिप्लाई करिए, बहुत बढ़िया। सो व्हाई वी यूज नेटवर्किंग डिवाइसेस? ओके, सो द सिंपल आंसर इज दैट नेटवर्किंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कनेक्ट द होस्ट और कंप्यूटर्स इन द लोकल एरिया नेटवर्क टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन, टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड एवरीवन, वेरी सिंपल डेफिनेशन, I am repeating again, just listen me carefully. Networking devices are used, okay, to connect the host or computers, okay, to provide the communication, to provide the communication, okay. So that's why we use networking devices. Understand, Rana? Understand everyone? ध्यान से सुनते रहिए, डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले पहले पॉइंट्स कुछ कुछ लिख लेते हैं हम लोग, ओके। नेटवर्किंग डिवाइसेस, टेक ए पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू मेक द नोट्स, ओके। नेटवर्किंग डिवाइसेस शेयर करिए सेशन को, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, प्रॉमिस, ओके। नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट द होस्ट और कंप्यूटर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क LAN and WAN wide area network, okay to provide communication between the devices। अंडरस्टैंड एवरीवन? जिसको जहां भी ना समझ में आए मुझसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। बिटवीन द डिवाइसेस, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग हियर। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? केशव राणा, ठीक है, अगला पॉइंट, ओके। देयर आर वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस, एक एक को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरियस, वी विल डिस्कस वन बाय वन, ओके। Networking devices, कौन कौन सी होती है, रिप्लाई करो फटाफट, ठीक है। कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है? माय गाइस प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, ओके। सेशन को लाइक करिए, अपने अटेंडेंस को मार्क करिए। तो फर्स्ट वन मेरी होती है हब, बताते रहिए अगर आपको पता है तो। कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है? ब्रिज, स्विच, ठीक है, राउटर, गेटवे, रिपीटर, एंड सेवेंथ वन इज व्हाट? मॉडम। अंडरस्टैंड एवरीवन?
So we will discuss each and every networking device, okay, in detail with working, with example also, with working and with example also. Understand, Keshav, and understand everyone. So networking devices are used to connect the host or computers in local area network either or in wide area network to provide the communication between the devices, and these are the networking devices. Understand everyone? Chalo, aage badhte hain. आगे बढ़ते हैं. सो दीज आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस. मैंने आपके लिए यहां पर स्लाइड भी रख दी है. ठीक है, दीज आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस. हब, स्विच, गेटवे, ब्रिज, राउटर एंड रिपीटर. अंडरस्टैंड एवरीवन? राउटर एंड रिपीटर. सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी नेटवर्किंग डिवाइस इन डिटेल एंड विद द फंक्शनैलिटी एंड विद द वर्किंग ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस. डोंट वरी. ओके, सो वेरी फर्स्ट इज व्हाट हब. वेरी फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इज व्हाट हब. सो In the OSI model, hub networking device we used at which layer? अगर आपको पता है तो मुझे बताओ. In the OSI layers, okay, we used hub at which layer? हम लोग hub को किस layer पर use करते हैं? Just reply me fast. Okay. So here we have what physical layer. Here we have what data link layer. Here we have what network layer. Here we have what transport layer, session layer, presentation layer, and what application layer. So hub we used at physical layer. Hub को हम लोग कहाँ पर use करते हैं? Physical layer पर use करते हैं. अगर आपको पता है तो reply करते रहिए. Hub को हम लोग कहाँ पर use करते हैं? Physical layer पर use करते हैं. Because hub is a very basic networking device, okay, which is used to connect the host or computers in local area network. Understand everyone? समझ में आ रहा हो तो yes or no करते रहिए और session को like करते रहिए और share करते रहिए. ठीक है, और data link layer पर हम लोग क्या क्या use करते हैं? कौन कौन सी networking device? Bridge का use करते हैं और किसका use करते हैं? Switch का. Bridge का use करते हैं और switch का. नेटवर्क लेयर पर हम लोग क्या यूज करते हैं? राउटर. नेटवर्क लेयर पर हम लोग क्या यूज करते हैं? राउटर. और ऑल द सेवन लेयर्स, ओके, गेटवे इज यूज्ड ऑल द सेवन लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल. एंड गेटवे को हम लोग किसी भी लेयर पर यूज कर सकते हैं ओएसआई मॉडल के. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है सबको? रिप्लाई मी फास्ट. सेशन को लाइक करना ना भूले यार और शेयर करना ना भूले प्लीज. इट्स अ रिक्वेस्ट, सिंपल रिक्वेस्ट. क्योंकि जितने लोग यहाँ पर लाइव जुड़ेंगे उतने लोगों को यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ से गेट पे भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो हम मेरा क्या है, मैं आपको थोड़े से नोट्स भी दे रहा हूँ, आप नोट्स भी लिखते रहिए. इट्स ए बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस used to connect host or computers in local area network में. अगर host और computer को connect करना है तभी हम लोग hub का use करेंगे. ठीक है, host और computers in local area network. To provide communication. Understand everyone? So, can anybody tell me, hubs use IP address or MAC address of the device for the communication? Okay. Can anybody tell me, hubs uses IP address of the host or computer or MAC address of the host or computer to provide the communication, okay, in the local area network? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर डिटेल में? कोई मुझे यहाँ पर बता सकता है? Can anybody tell me? Hubs uses MAC address or IP address of the device or host or computers to provide communication in local area network. So we used hub as a local area network. So hubs uses MAC address, or you can say that what physical address, or you also can say that what Ethernet address of the devices, okay, to provide the communication. Understand everyone? Guys, jaldi se session ko like karte raho aur share karte raho. It's my simple request. Understand everyone? So hubs uses
Hubs uses, okay, MAC address. What MAC address? MAC address, और इसी को आप लोग कहते हो फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस, ओके, और ईथरनेट एड्रेस, ओके, और ईथरनेट एड्रेस, एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, ऑफ द कंप्यूटर्स. अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड एवरीवन, अंडरस्टैंड एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स. So Hubs uses what? MAC address, physical address, or Ethernet address. These all three names are same. You can say that what MAC address, you can say that what physical address, or you also can say that what Ethernet address of the computer. So Hubs uses what these address to provide the communication between the devices. Okay, because Hubs को हम लोग कहाँ पर use करते हैं? Local area network में devices को connect करने के लिए use करते हैं. Understand everyone? रिप्लाई करते रहिए, सेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाइए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है. सो दिस मैक एड्रेस इज प्रेजेंट, ओके, दिस मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस जो मेरा डिवाइसेस का, होस्ट का, कंप्यूटर का होता है, ये आपका कहां पर प्रेजेंट होता है? कैन एनीबडी टेल मी, दिस मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट कंप्यूटर्स इज प्रेजेंट वेयर, इज प्रेजेंट वेयर, कहां पर प्रेजेंट होता है? रिप्लाई करो फटाफट, सेशन को लाइक करते रहो और रिप्लाई करते रहो. जितने भी लोग लाइव वॉच कर रहे हो ना, अपनी अटेंडेंस को मार्क करो और सेशन को शेयर करो. जितने मैक्सिमम लोग यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे उतना फायदा होगा. ठीक है. अंडरस्टैंड एवरीवन? सो मैक एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, ये कितने बिट लॉन्ग होता है? 48 बिट लॉन्ग होता है मैक एड्रेस. एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लेते हैं. मैक एड्रेस 48 बिट लॉन्ग, 48 bits long and present कहां पर present होता है? बताया नहीं आप लोगों ने. And present in NIC cards. कहां पर present होता है? And present in NIC cards. NIC card. Okay. Understand everyone? Understand? समझ आ रहा है? Reply करते रहो यार. Reply करते रहिए. So now I am going to discuss with you the working of the hub. Suppose we have various devices. This is a device A, B, C, D and E. This is what F, this is what H, this is what I, this is what J and this is what K. Okay, this is what K. Suppose device A, this is what source. Suppose device A, you can say it what source, want to send some data or information to device K, to device K. So this is what destination. Okay, this is what destination, this is what destination. Ye mera kya destination device hai. So suppose device A want to send something in the network that is connected through the hub, okay, to the device K, and that is what destination. So what hub will do, हब मेरा क्या करेगा? हब जैसे ही डेटा आपका सोर्स से रिसीव करेगा, सो ये क्या करेगा? इट विल डू ब्रॉडकास्ट द डेटा. मींस व्हेन इट विल रिसीव द डेटा फ्रॉम द सोर्स, देन इट विल कॉपी द डेटा ईच एंड एवरी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द हब. अंडरस्टैंड एवरीवन? दिस इज द वर्किंग ऑफ द हब. ओके. So when this hub will receive the data from source A, then again, I am repeating again, then it will copy that data to each and every device that is connected to the hub. Okay. So what will happen? Only the intended device, only the destination. Okay. Only the intended device. मतलब जो आपके packet में जिसका IP address, जिस device का IP address match कर रहा होगा, वो device आपका उसको क्या करेगी? Receive करेगी. बाकी की सारी डिवाइसेस उस डेटा को क्या कर देंगी? डिस्कार्ड कर देंगी. बाकी की सारी डिवाइसेस क्या करेंगी उस डेटा को? डिस्कार्ड कर देंगी. अंडरस्टैंड एवरीवन? रिप्लाई करते रहिए यार, सेशन को इंफॉर्मेटिव बनाइए. सिर्फ आपका जिस उस पैकेट में, उस डेटा में जिस डिवाइस का आईपी एड्रेस पड़ा होगा और जिस डिवाइस का आईपी एड्रेस उस पैकेट में जो आईपी एड्रेस होगा उससे मैच करेगा, वो उसको रिसीव कर लेगा. बाकी सब उसको क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे. समझ में आ रहा सबको? वर्किंग सबको समझ में आई? टेक्निकल केशव राणा, टेक्निकल मुसाफिर,
केशव राणा समझ में आया सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लो। सोर्स जो होगा, अगर आपका डेटा भेजेगा डेस्टिनेशन को, अगर डिवाइसेज आपके हब के थ्रू कनेक्टेड है, तो जैसे ही आपका डेटा रिसीव करेगा, सो व्हाट इट विल डू, इट विल कॉपी दैट डेटा टू ईच एंड एवरी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द हब। ओके, सो व्हाट अदर डिवाइस विल डू, अदर डिवाइस विल डू विल डिस्कार्ड दैट डेटा एंड ओनली द इंटेंडेड डिवाइस विल रिसीव दैट डेटा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड एवरीवन? रिप्लाई करते रहिए यार, रिप्लाई करते रहिए, इससे मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड? सो हब मेरा क्या होता है, हब मेरा क्या होता है? ठीक है, हब ऑल्सो नोन, हब इज ए मल्टीपोर्ट रिपीटर। हब आपका क्या होता है? मल्टीपोर्ट रिपीटर भी होता है। हब क्या होता है मेरा? मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। मींस हब्स कैन रीजनरेट द सिग्नल। ओके, सो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड? देयर इज ओनली वन कोलिजन डोमेन, देयर इज, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। देयर इज ओनली वन कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन इन, ओके, ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसका मतलब क्या हुआ? मींस ऑल द पोर्ट्स ऑफ हब्स आर इन सेम कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। अंडरस्टैंड एवरीवन? रिप्लाई करते रहो सेशन को यार, और शेयर करते रहो सेशन, जितना ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा उतना ही मजा आने वाला है। सेशन को रिप्लाई करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो चलो मैं आगे बताता हूं। हब्स आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हब्स मेरे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक मेरा होता है क्या? स्टैटिक हब, और दूसरा मेरा होता है डायनामिक हब। एक मेरा क्या होता है? डायनामिक हब, और दूसरा मेरा होता है स्टैटिक हब। अंडरस्टैंड एवरीवन? रिप्लाई करते रहो यार सेशन को, और शेयर करते रहो। सो डायनामिक हब को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ओके, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट डायनामिक हब। टू ऑपरेट व्हाट? डायनामिक हब। अंडरस्टैंड? स्टैटिक हब को ऑपरेट करने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहां पर भी किसी को कोई डाउट होगा वो पूछता रहेगा, डाउट अगर होगा तो पूछता रहेगा, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो मेरे डायनामिक हब होते हैं ये आपका रीजनरेट करते हैं सिग्नल को। ओके, रीजनरेट द सिग्नल्स। ओके, ये आपका जैसा सिग्नल रिसीव करता है वैसे ही आगे फॉरवर्ड करता है। ओके, नॉट रीजनरेट सिग्नल्स। अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द डायनेमिक हब एंड स्टैटिक हब? अंडरस्टैंड? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर इज ओनली वन कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन, मीन्स ऑल द पोर्ट्स ऑफ द हब्स
are in the same collision domain and broadcast domain. Okay, understand? समझ में आया? आगे बढ़े. चलो, तो मेरे यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, जो मेरे डिसएडवांटेज होते हैं हब के, वो क्या हो सकते हैं? पहली बात तो आपका डेटा सिक्योर नहीं है, क्योंकि जैसे कोई डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस को डेटा भेज रहा है, जैसे ही आप उसको रिसीव कर रहे हैं, इट विल डू व्हाट, इट विल कॉपी दैट डेटा टू ईच एंड एवरी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड थ्रू द हब. ओके, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन प्रॉब्लम. ओके, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज व्हाट, डेटा. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज व्हाट, डेटा इज नॉट सिक्योर. डेटा इज नॉट सिक्योर, अंडरस्टैंड? डेटा इज नॉट सिक्योर. पहला डिसएडवांटेज क्या है मेरा हब का? द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द हब इज व्हाट, डेटा इज नॉट सिक्योर. सेकंड डिसएडवांटेज इज व्हाट, प्रोसेसिंग इज स्लो. प्रोसेसिंग इज स्लो. प्रोसेसिंग इज स्लो. एंड थर्ड डिसएडवांटेज इज व्हाट, इट्स नॉट ए इंटेलिजेंट डिवाइस. Intelligent device, okay? Intelligent device because it does not have any table to store MAC addresses of the computers. Computers means every times hub will do broadcast. क्योंकि इसके पास कोई टेबल नहीं है कि डिवाइसेस का मैक एड्रेस को स्टोर करने का, तो जितनी भी टाइम ये मैसेज को रिसीव करेगी उतने ही टाइम मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगी. अंडरस्टैंड एवरीवन? रिप्लाई करते रहो यार, जिससे मुझे पता चलता रहे. रिप्लाई करते रहे जिससे मुझे पता चलता रहे. ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द हब. अंडरस्टैंड? आगे बढ़े. तो मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ हब को डिस्कस कर लिया, इसकी वर्किंग, और इसका अगर एग्जांपल देखोगे तो इसका एग्जांपल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अगर आता है तो बताइए इसका एग्जाम्पल कहां देखने को मिलता है? यूएसबी हब्स. ओके, वी यूज टू कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस. ओके, वेरियस डिवाइसेस. यूएसबी हब इज एन एग्जाम्पल. USB hubs, okay, we used to connect various devices, okay, through a single computer with the help of USB, universal serial bus. Okay, USB की full form क्या होती है, वो मुझे बताएगा? प्लीज गाइस, सेशन को लाइक करो और शेयर करो. सो अगर आपसे कोई पूछे कि हब का एग्जांपल क्या है, तो यूएसबी हब जो आपके कंप्यूटर में होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल कंप्यूटर से. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हब. अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूनिवर्सल सीरियल बस. कई जगह तो आपसे यही पूछ लेते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस. Understand everyone? Understand guys? So please like the session yaar, aur share the session. Aage badhe. Are you ready? Samajh mein aaya? Aap samajh mein aaya? Ek baar reply kar do jitne bhi log live ho. Ek baar reply kar dijiye, yes sir, samajh mein aa gaya. Aapki working samajh mein aayi, advantage disadvantage samajh mein aaya, example samajh mein aaya sabko. Reply kariye fatafat, sare log reply kariye fatafat. एक बार रिप्लाई कर दो सारे लोग.
जिससे मुझे पता चल पाया कि आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़े। चलो, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्विच। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्विच। ओके, सो स्विच इज अनदर नेटवर्किंग डिवाइस वी यूज्ड एट डेटा लिंक लेयर। ओके, स्विच इज अनदर नेटवर्किंग डिवाइस। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कनेक्ट द होस्ट और कंप्यूटर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क to provide what communication, to provide what communication, and switch also used, okay, MAC address or physical address or Ethernet address of the computers or host, okay, to provide the communication, to provide the communication. Understand everyone? Understand? So switch may be another networking device hai, to switch we use, switch ko hum log kahan par use karte hain? We used स्विच एट डेटा लिंक लेयर। कहां पर यूज करते हैं? डेटा लिंक लेयर पर। कहां पर यूज करते हैं? डेटा लिंक लेयर पर। अंडरस्टैंड? कहां पर यूज करते हैं? डेटा लिंक लेयर पर यूज करते हैं। ठीक है, स्विच इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द होस्ट और कंप्यूटर्स इन द लोकल एरिया नेटवर्क टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन। दैट्स वाई स्विच ऑल्सो यूजेस MAC address और physical address of the computers. Switch भी मेरा क्या use करता है? MAC address और physical address of the computers. Understand guys? Understand? देखो यार, reply नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं। मैं तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो session को like कर दो और share कर दो। जितने भी लोग live हैं यार, please, it's my request, please like the session and share the session as much as you can, ठीक है। So switch, okay, is used to connect the host or computers in local area network To provide what communication? समझ में आ रहा है सबको यार? Reply करते रहो। To provide communication, okay? And it also uses what? क्योंकि ये भी आपका, ये networking device भी आपकी computer और host को local area network में connect करने के काम में आ रही है, तो ये भी क्या करेगा? जो मेरे host होंगे या computer होंगे, उनके MAC address को use करेगा। क्या है? किसको यूज करेगा? उनके मैक एड्रेस को यूज करेगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड? तो लोकल एरिया नेटवर्क टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड इट्स आल्सो यूजेस मैक एड्रेस और यू कैन से दैट व्हाट, फिजिकल एड्रेस। ओके, मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ओके, ऑफ द कंप्यूटर्स। अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको यार? रिप्लाई करते रहो। तो कैन एनीबडी टेल मी हेयर, कैन वी चेंज द मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर? कैन एनीबडी टेल मी हेयर, प्लीज गाइस? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताओ, प्लीज गाइस। सेशन को शेयर करते रहिए और सेशन को लाइक भी करते रहिए। सो जस्ट टेल मी, can we change the MAC address or physical address of any device? Can we change the MAC address or physical address of any device? If you know the answer, then give me the answer in the comment box. Guys, reply kariye, patapat. Reply kariye. Can we change the MAC address or physical address of the computer? Reply kariye, pata hai to. So your answer is what? No. Your answer should be what? No. Because MAC address or physical address assigned by the manufacturer and it is globally unique. And MAC address is globally unique of the device or computer. Okay. And assigned by the manufacturer. Okay. Understand? And this is present in the NIC card. And where is it present in the NIC card? So, if someone asks, can we change
the MAC address or physical address of any hostile computer. So your answer should be what? No, because it is assigned by the manufacturer. Okay, and it is globally unique. Understand everyone? Understand? समझ आया सबको? चल, यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इसकी वर्किंग, ठीक है? तो suppose this is a device A, this is device B, this is C and this is D, okay? Suppose A want to send something, okay, to destination, to device B. So this is source and this is what destination. Okay, so suppose device A want to send something device D, and devices are connected in the local area network through the switch. So when the switch is initially operated, okay, so first it will do what? Broadcast. Okay, because switch have a content addressable memory table. Okay, content addressable memory table. Switch के पास अपनी एक memory table होती है, content addressable memory table, जिसमें वो क्या करता है? सारी devices का MAC address store करता है. क्या store करता है? MAC address. तो यहाँ पर आपका होगा port number, यहाँ पर आपका होगा port number और यहाँ पर होगा आपका MAC address. Understand everyone? Understand guys? अगर मजा आ रहा हो तो रिप्लाई भी करते रहो यार, ठीक है? तो स्विच के पास क्या होती है? स्विच हैज ए कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल, इन विच इट सेव द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस, जिसमें वो क्या करता है? डिवाइसेस का मैक एड्रेस सेव करके रखता है. अंडरस्टैंड? ठीक है. तो फर्स्ट व्हेन स्विच इज इनिशियली ऑपरेटेड, so first it will do what? Broadcast. First it will do what? The broadcast. Okay, it will generate the ARP packet. Okay, in the packet it have what? Destination IP address. Okay, so first switch also broadcasts. It will send to B also, it will send to C also, it will send to D also. But okay, whose IP address doesn't matches to the IP address of the packet, then those devices will discard the messages. वो सारी डिवाइसेस आपके मैसेज को क्या कर देंगी? रिस्कार्ड. जिसका आईपी एड्रेस पैकेट के आईपी एड्रेस से मैच कर रहा होगा वो डिवाइस इसको क्या करेगी? रिसीव. और क्या करेगी? साथ के साथ अपना मैक एड्रेस, अपना मैक आरएआरपी एक पैकेट जनरेट करेगी, और उस पैकेट में अपना मैक एड्रेस किसको दे देगी? स्विच को. और स्विच क्या करेगा? उस मैक एड्रेस को यहाँ पर स्टोर कर लेगा. तो वो डी का मैक एड्रेस यहाँ पर स्टोर कर लेगा, जो भी उसका मैक एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर कर लेगा. अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड? 48 बिट का होता है. समझ में आया? इसकी वर्किंग. सो फर्स्ट स्विच आल्सो विल बिल्ड टू व्हाट? ब्रॉडकास्ट. बट वंस इट विल कंटेन द मैक एड्रेस ऑफ ऑल द डिवाइसेस, इन कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल, देन इट विल स्टार्ट व्हाट? देन इट विल स्टार्ट यूनिकास्ट द मैसेज. Then it will start unicast the message. समझ में आ रहा है कि नहीं यार? Reply तो करते रहो एटलीस्ट, कम से कम जिससे मुझे पता तो चले कम से कम आपको समझ आ रहा है. Understand? So once it will have the MAC address of each and every device, then it will start what? Unicast. Understand? समझ आया? Yes or not? So first switch will also do broadcast the message. First switch will also do broadcast the message, but once it will store All the devices, MAC address, then it will start unicast the masses. It will start what?
it will start unicast the masses. समझ में आया है पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया यार, जल्दी बताओ समझ में आया? सबसे पहले स्विच भी आपका मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा, बट when it will store the MAC address of all the devices, okay, in the table, then it will start what unicast. Then it will start the unicast the messages. But अगर हम लोग hub की बात करें, तो hub always do what? Hubs always do what? Multicast, broadcast the messages. Understand everyone? Understand? समझ में आ रहा है यार? ठीक है. So all the ports, important points. All the ports of switch are in same broadcast domain, but in different collision domain. Understand? समझ आया यार? सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए. अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ आया? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए यार, जितना आप लोग कर पाओ. As much as you can. Understand everyone. Working of switch. Working of switch. Understand everyone. सबको समझ में आ गई स्विच की वर्किंग? जिसको नहीं समझ में आई मुझे बता दो यहाँ पर. स्विच क्या करता है? पहले क्या करता है? मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है. ओके, बिकॉज इट हैव अ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल, इट्स an intelligence device. ओके, सो when it will get all the MAC addresses of the devices which is connected through the switch, then it will start what unicast the message. सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज को, फिर क्या करेगा? यूनिकास्ट करेगा. अंडरस्टैंड? रिप्लाई करो यार. सो दिस इज अ स्विच, दिस इज अ स्विच. इससे आपके पीसी, सर्वर, प्रिंटर कुछ भी कनेक्ट हो सकते हैं. अंडरस्टैंड एवरीवन? आगे बढ़े. चलो अगला मेरा यहां पर है गेटवे. अगला मेरा यहां पर है गेटवे. तो एज आई टोल्ड यू ओके, गेटवे वी कैन यूज ऑल द सेवन लेयर्स, ऑल द सेवन लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल. अंडरस्टैंड एवरीवन? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर. ओके, सो गेटवे इज यूज्ड ओके, ऑल द सेवन लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, एंड इट इज यूज्ड टू कनेक्ट. ओके, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट. ओके, two sub networks. Okay, it is used to connect two sub networks. Important point, isko yaad rakhna. It is used to connect two sub networks. Okay, that are using dissimilar protocols. मतलब अलग अलग protocols का use कर रही हैं. ठीक है, समझ में आया? ये word जरूर याद रखना. It is used to connect two subnetworks that are using dissimilar protocols. Understand everyone? Understand? Reply me fast yaar. जब तक reply नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं God तो हूँ नहीं कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, so gateway we used all the seven layers of the OSI model, and it is used to connect two subnetworks that are using dissimilar protocols. ओके, अंडरस्टैंड? तो सपोज दिस देयर इज अ वन नेटवर्क इन विच व्हाट वेब सर्वर वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड, एंड बिटवीन दीस टू नेटवर्क गेटवे इज कनेक्टेड.
between these two network gateway is connected, and internet, at the internet we are using different protocols, and here this network we can use different protocols. So gateway is used to connect to sub networks or network that are using what, dissimilar protocols. Understand everyone? Understand? Reply karo yaar fast. Keshav Rana, Tony Cheng, reply kariye fatafat. Aage badhe. ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका गेटवे, कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं. सो गेटवे को हम लोग ओएसआई मॉडल की सातों लेयर पर यूज कर सकते हैं, एंड इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सब नेटवर्क्स, यू कैन से दैट, और यू कैन से दैट टू नेटवर्क. ओके, वेयर वी आर यूजिंग व्हाट डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स, वेयर वी आर यूजिंग व्हाट डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स. फॉर एग्जाम्पल, there is a local area network, okay, in which web server, workstations are connected, and there is a network, there is an internet, and between these two networks we have a what, gateway. We have a what, gateway. We can connect these two networks to the gateway, because these two networks, both these two networks are using what, dissimilar protocols, because these two networks are using what, dissimilar protocols. Understand yaar, session ko like karte raho yaar. It's a simple request. जितने भी लोग लाइव हैं वो सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे. ठीक है, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड एवरीवन? रिप्लाई करते रहिए यार, समझ आ रहा है सबको? रिप्लाई करेंगे आप लोग? चल आगे बढ़ते हैं. अभी आई एम नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ब्रिज. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ब्रिज एंड द वर्किंग ऑफ द ब्रिज. ठीक है, मैं आपको ब्रिज के बारे में यहां बताने जा रहा हूँ, ब्रिज की वर्किंग को बताने जा रहा हूँ डिटेल में. जस्ट लिसन मी केयरफुली हियर. ओके, सो आफ्टर हब ओके, वी हैव व्हाट, ब्रिज. And switch and bridge are some networking, some intelligence device. Switch also intelligent device, because switch uses what, CAM table to store the MAC addresses of the device. Understand? And bridge also an intelligence device. Okay, it is also intelligence device, and we use bridge also at data link layer. Bridge को भी हम लोग कहाँ पर use करते हैं? Data link layer पर use करते हैं. ठीक है? We used bridge at data link layer, or you can say that it's a layer to device. Okay, data link layer, or it's a layer to device. Layer कहीं कहीं layer to device भी लिखकर आता है. It's a layer to device. Okay, it's a layer to device. Bridge also uses what, routing table, in which it stores what, MAC address of the devices. And bridge also uses to connect the devices or host or computers in the local area network only. Understand everyone? Like hub, switch, okay, bridge also used to connect the host or computers only in the local area network, only in the local area network. So bridge also uses what, IP address or MAC address. So bridge bhi mera kya use karega, IP address use karega ki MAC address use karega? रिप्लाई करो फटाफट सारे लोग. तो ब्रिज भी मेरा क्या यूज करेगा, आईपी एड्रेस यूज करेगा कि मैक एड्रेस यूज करेगा? जस्ट रिप्लाई बी फास्ट. सो सिमिलर टू हब और स्विच, इट इज आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट द लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसेस इन द लोकल एरिया नेटवर्क. सो इट आल्सो यूजेज आउट मैक एड्रेस. यह क्या यूज करेगा, मैक एड्रेस यूज करेगा या फिजिकल एड्रेस यूज करेगा? अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आ रहा है सारे लोगों को? ठीक है, सो ब्रिज ऑल्सो यूजेस मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट और कंप्यूटर, because reason bhi hai iska, because
Bridge also used to connect host or computers in LAN. LAN मतलब local area network. Understand everyone? Understand? समझ में आया? So what is the meaning of bridge here? Suppose I am going to tell you an example. Suppose here we have got Delhi and here we have got Ghaziabad. Here we have got Ghaziabad and we want to connect these two cities. We want to connect these two cities and between these two cities we have a river. That is Yamuna. That is what Yamuna. So if we want to connect Delhi with the Ghaziabad, then we need to build what? Then we need to build a bridge. हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? एक bridge बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? Bridge. Okay. So similar to this way. Okay. So if we want to connect two labs. Okay. Of the same floor. Then we can use what? Bridge. वहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ब्रिज यूज कर सकते हैं. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई सारे लोगों को बात? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं यहाँ पर. सपोज मेरे पास कोई बस टॉपोलॉजी है और वहां पर मेरे पास बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट है. ठीक है, बस टॉपोलॉजी है और बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट है मेरे पास. सपोज दिस इज डिवाइस ए, दिस इज डिवाइस बी, दिस इज डिवाइस सी, दिस इज डिवाइस डी एंड दिस इज ई एंड दिस इज एफ. सो एज वी नो दैट ओके, सिग्नल स्ट्रेंथ इन द बस टॉपोलॉजी डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस. जैसा कि हम सबको पता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल डिक्रीजेस इन द बस टॉपोलॉजी ओके एज द लेंथ ऑफ द बस टॉपोलॉजी इज इंक्रीजेस. ओके, so here we have what terminal and terminals. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिए. एंड टर्मिनल्स. सो इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट दीज टू डिवाइस बस टॉपोलॉजी दीज टू लैब्स थ्रू द ब्रिज देन वी कैन. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बीच में हम लोगों ने क्या लगा दिया एक ब्रिज लगा दिया. ठीक है, और इस वाले पार्ट को, इस वाली लैब को जो सेम फ्लोर पर थी, उसको हम लोगों ने इस वाले पोर्ट से कनेक्ट कर दिया और इस वाली लैब को हम लोगों ने इस वाले पोर्ट से कनेक्ट कर दिया. अंडरस्टैंड? हम लोगों ने क्या लगा दिया एक ब्रिज लगा दिया. सबको समझ आ रहा है डियर फ्रेंड्स? ठीक है, हम लोगों ने क्या लगा दिया यहाँ पर? एक ब्रिज लगा दिया. ठीक है, तो ब्रिज भी क्या करती है मेरी? ब्रिज भी एक अपना मैक टेबल बनाती है. ब्रिज भी क्या करती है? एक मैक टेबल अपना बना के रखती है. दैट्स व्हाई इट्स ए इंटेलिजेंस डिवाइस. ओके, ब्रिज भी क्या करता है? अपना मैक टेबल बना के रखता है. ठीक है, यहां पर आपके होते हैं पोर्ट. तो यहां पर कितने पोर्ट हैं? 1 and 2 एंड व्हाट पोर्ट 2. ठीक है, तो सपोज इनिशियली व्हेन योर कनेक्शन इज न्यू सो व्हेन सपोज दिस डिवाइस ए वांट टू कम्युनिकेट दिस डिवाइस एफ मींस वांट टू सेंड समथिंग दिस डिवाइस ए ओके टू डिवाइस दिस एफ ओके वांट टू सेंड समथिंग then what bridge will do when then bridge will do first broadcast the message. सबसे पहले ब्रिज मेरा क्या करेगा? मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब मैसेज को इसको भी देखेगा, इसको भी कॉपी कर देगा, यहाँ भी कॉपी कर देगा. ठीक है, रिमेनिंग डिवाइसेज विल डिस्कार्ड द मैसेज और डेटा बिकॉज इन द डेटा पैकेट
we have the IP address of the intended device or destination. So whose IP address matches to the IP address of the packet, okay, then that device only will receive the data, other will discard. दूसरी डिवाइस में क्या करेंगी, डेटा को डिस्कार्ड कर देंगी, ठीक है. सो फर्स्ट इट विल डू व्हाट, ब्रॉडकास्ट. फर्स्ट इट विल डू व्हाट, द ब्रॉडकास्ट. सो व्हेन इट विल नो, व्हेन इट विल नो द मैक एड्रेस ऑफ एफ, सो इट विल स्टोर हियर मैक एड्रेस ऑफ एफ. अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड एवरीवन, अंडरस्टैंड. सिमिलरली व्हेन ए वांट टू कम्युनिकेट दिस ई, व्हेन ए वांट टू कम्युनिकेट दिस ई, सो इट विल अगेन सेंड ब्रॉडकास्ट द मैसेज, अगेन ब्रॉडकास्ट द मैसेज. So when it will receive the MAC address of E, okay, so it will store in the MAC table, or you can say that what, routing table, or you can say that what, routing table. Suppose this A want to this D, okay, so when it will know the MAC address of this D, then it will store here. Similarly, when it will know the MAC address of A, C, B, it will store all the MAC address here, it will store all the MAC address here. So first it will also do the broadcast, okay, but it always do the broadcast when A want to communicate this B, when A want to discommunicate this B, okay, then it will broadcast the message, it will broadcast the message only the port number one side, only the port number one side. So this is the important thing, okay. Bridges also do broadcast the message later, it will do unicast. बाद में आपका ये भी unicast करने लगेगा, अपने port के साइड में broadcast करने लगेगा, लेकिन पहले ये भी आपका क्या करेगा, broadcast करेगा. पहले आपका ये भी क्या करेगा, broadcast करेगा. Understand everyone? So, इसके बाद भी अपनी एक मैक टेबल होती है और राउटिंग टेबल होती है, अपना बिल्ड कर लेता है, ठीक है. चलो वापस से यहीं पर आते हैं. तो सपोज ए मेरा कम्युनिकेट करना चाहता है, ए मेरा कम्युनिकेट करना चाहता है किसी डिवाइस जी से, और ये दोनों आपके जो दोनों आपके नेटवर्क है, लैब्स है, आपका ब्रिज से कनेक्ट है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, पहले ब्रॉडकास्ट कर देगा, उसके बाद ही बाद में यूनिकास्ट करता रहेगा. अंडरस्टैंड, इतनी बात सबको समझ में आई. रिप्लाई भी करते रहिए. विकास, गुड आफ्टरनून. विकास, ओके. So what? So because just reply me fast. All the ports of the bridges are in the same broadcast domain or different broadcast domain. Understand? Just reply me fast. All the ports of the bridges are in the same broadcast domain or different broadcast domain. जल्दी से बताइए मुझे, ऑल द पोर्ट्स ऑफ द ब्रिजेस आर इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन और डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन. ओके, सो ऑल द पोर्ट्स ऑफ द ब्रिजेस ऑफ द ब्रिज आर इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन. सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं. But in different collision domain. Understand everyone? Understand? Because important point है, इसको remember रखना. सारे के सारे ports के जो आप ports होते हैं bridges के, वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, बट इन डिफरेंट कोलिजन डोमेन. अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड?
समझ में आया सबको? एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू लैब्स ऑफ द सेम फ्लोर, देन यू कैन यूज बिटवीन दीज टू लैब्स ओके ए ब्रिज. इन दोनों के बीच में आप क्या यूज कर सकते हो? ब्रिज का यूज कर सकते हो. किसका यूज कर सकते हो? ब्रिज का. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट two labs which is available on the same floor, which is available on the same floor, on the same floor, okay, we can connect with the help of bridge. We can connect with the help of bridge. अंडरस्टैंड विकास उपाध्याय जी? समझ में आया सबको? समझ आया? ठीक है, तो ये मेरा हो गया ब्रिज. ठीक है, तो जिसको भी नहीं समझ में आया मैं एक बार और समझा देता हूँ. ब्रिजेस भी मेरे क्या होती है? मैक एड्रेसेस को यूज करती हैं, और ये भी मेरा लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को या होस्ट को या कंप्यूटर को कनेक्ट करने के काम में आती है. ठीक है, ये लेयर टू डिवाइस होती है. ठीक है, पहले ये भी आपके मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है, उसके बाद यूनिकास्ट करने लगती है. अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट राउटर. ओके, व्हाट आर राउटर्स एंड वर्किंग ऑफ द राउटर. ठीक है, सो राउटर को हम लोग कहां पर यूज करते हैं बताएगा मुझे? एनीबडी वांट टू टेल मी? रिप्लाई बी फास्ट. विकास उपाध्याय आप ही पढ़ते रहिए, जिसको पढ़ना है वो आएगा. ठीक है, आई डोंट नो. सो व्हाई वी यूज राउटर? व्हाई वी यूज राउटर? कैन एनीबडी टेल मी? So router we use to connect to different networks. Router को हम लोग कहाँ पर use करते हैं? If we want to connect to different networks, then we use what? Router. Or you can say that if you want to connect to LANs, okay, then we want to use router. We need to use router. Understand everyone? Understand? So router is used. Router is used to connect. two different networks. ये मेरे किस लेयर की डिवाइस है? It's a layer 3 device. And router uses what? IP address or MAC address? Reply karo sare log. Router uses IP address or MAC address? Reply me fast. Router uses IP address or MAC address? So bridge switch and hub. Bridge switch and hub. These devices we use to connect the host of computers in the local area network, okay, but router we use to connect the computer host, okay, in WAN, wide area network, okay. So router uses IP address. Router uses what? IP addresses of the host or computer, okay. It does not use the MAC address of the host or computer. Understand everyone? Okay. So router uses, gate में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं इन्हीं पॉइंट से. ओके, सो राउटर यूजेस आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट और कंप्यूटर्स टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन. टू प्रोवाइड व्हाट? टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन.
Understand everyone? Understand everyone? Take care. So router is a network layer device or layer 3 device. Okay, router uses what the IP address of the host or computers to provide communication. Router is used to connect two different networks. Okay, understand? Okay, understand everyone? So there is a router, okay, there is a router, this is the example of the router, okay, this is their excuse box. Excuse box mera hota hai koi music application, any music application, okay, that is called what, excuse box. Understand everyone? So there is a router, you can connect a excuse box, any music application, you can connect your laptop, you can connect your NAS, you can connect your computer, you can connect your internet, okay, you can connect your dial-up connection modem. Understand everyone? So you can connect different networks to the router. Understand everyone? Session ko like karte raho, share karte raho. Take care. Understand everyone? So it's a most important intelligence device, okay? It's a most intelligent device. It's a most intelligent device, okay? ठीक है? इसके पास अपनी क्या होती है? Routing table होती है. इसके पास भी अपनी क्या होती है? Routing table होती है. जहां पर ये क्या करता है, जहां पर ये इसके अपने आईपी एड्रेसेस को स्टोर करता है. ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? आगे बढ़े. चल तो मुझे कोई एक चीज बताओ यहां पर, कि जो मेरे यहां पर राउटर होते हैं, राउटर में जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो आपके सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन पर होते हैं, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन पर होते हैं, सेम कोलिजन डोमेन पर होते हैं या डिफरेंट कोलिजन डोमेन पर होते हैं? रिप्लाई करो फटाफट सारे लोग, रिप्लाई करिए फटाफट सारे लोग यहां पर, फटाफट सारे लोग रिप्लाई करिए फटाफट. अगर पता है तो रिप्लाई करो, नहीं पता है तो बताओ. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ऑल द पोर्ट्स ऑफ द राउटर इन डिफरेंट कोलिजन डोमेन. Different collision domain. Understand? Different collision domain and different broadcast domain. याद रखना ये सारे points, बहुत ही important point बता रहा हूं मैं आपको. Understand everyone? So all the ports of the router in different collision domain and also in different broadcast domain. Understand? ठीक है, समझ में आया सबको? अगर मैं यहां पर एक कोई लैन बनाता हूं आपका, इसके आपसे बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, यहां पर कोई डिवाइस ए है, यहां पर कोई डिवाइस बी है और यहां पर कोई आपका डिवाइस सी है. ओके, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ए बी एंड सी, ये आपका लैन में कनेक्टेड है, ये आपका किसमें कनेक्टेड है? लैन में, स्विच के थ्रू कनेक्टेड है. ठीक है, ये मेरा स्विच के थ्रू कनेक्ट है, स्विच, ये मेरा किसके थ्रू कनेक्टेड है? स्विच. ठीक है, ये मेरा यहां पर बीच में कोई राउटर लगा हुआ है, एक यहां पर और आपका कोई नेटवर्क है, वो भी आपका स्विच के थ्रू कनेक्ट है. किसके थ्रू कनेक्ट है? स्विच के थ्रू. This is D device, this is E, and this is what, F. Understand everyone? Reply करते रहिए. So can anybody tell me how many broadcasts is there in this network? In this network, how many broadcasts is there? And how many collision domain is there? My dear friends, मैं आपको बार बार इतना emphasize यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि interview में यहाँ से questions पूछे जाते हैं. अगर आप लोग live watch कर रहे हो और really में यहाँ पर learn कर रहे हो, तो then
give me the answer first. How many broadcast domain is there in this network and how many collision domain is there in this network? Understand everyone? Understand everyone? अगर आप लोग रियली में लर्न कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि यहाँ पर इस वाले नेटवर्क में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है और कितने कॉलिजन डोमेन है. सो एज आई टोल्ड यू इन स्विच ऑल द पोर्ट्स ऑफ द स्विच आर इन डिफरेंट कॉलिजन डोमेन. तो CD1 तो यहाँ के लिए हो गया, एक CD2 मेरा इसके लिए हो गया, CD3 मेरा इसके लिए हो गया, ठीक है. बट एज आई टोल्ड यू ऑल्सो, ओके, स्विच, ब्रिज एंड हब, ऑल द पोर्ट्स आर इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, सो दिस होल थिंग विल कम इन टू वन ब्रॉडकास्ट डोमेन. ओके, this is what BD, one broadcast domain. Understand everyone? This is BD1. Okay? समझ में आया सबको? And यहां से यहां तक जो मेरा ये हो गया, यहां ये भी मेरा एक port है ना, तो यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा? CD4. क्या हो जाएगा यहां से यहां तक आपका? CD4. Understand? यहां से यहां तक मेरा क्या हो जाएगा? CD5, ठीक है. यहां मेरा क्या हो जाएगा? CD6. यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? कोलिजन डोमेन 7, और यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? कोलिजन डोमेन 8. ओके, और ये पूरी चीज जो मेरी है यहां से लेके यहां तक जो मेरी पूरी चीज है, ये मेरा क्या हो जाएगा? BD2, ब्रॉडकास्ट डोमेन 2. अंडरस्टैंड? बहुत ही प्यारी बात मैंने आपको बता दी. अगर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लीजिए. तो कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है यहाँ पर? 2. कोलिजन डोमेन कितने हैं यहाँ पर? 8. अंडरस्टैंड? क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? क्लियर? रिप्लाई करिए इससे मैं आगे बढ़ सकूं. क्लियर? सो यू विल कैलकुलेट, यू विल गिव द आंसर ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे तो. समझ में आ गया आप सारे लोगों को? अंडरस्टैंड एवरीवन? सबको समझ आ गया? तो यहां पर मेरा अगला क्या था? मेरा अगला था यहां पर रिपीटर. ओके, सो रिपीटर को हम लोग क्यों यूज करते हैं? रिपीटर वी यूज, ओके, टू एनहांस द सिग्नल स्ट्रेंथ और टू रिजनरेट द सिग्नल. ओके, रिपीटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? रिपीटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस. रिपीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? रिपीटर इज यूज्ड टू एनहांस द सिग्नल स्ट्रेंथ और रीजनरेट द सिग्नल. ओके, तो सिग्नल को स्ट्रेंथ कहां पर करते हैं? एनालॉग सिग्नल को स्ट्रेंथ कर देते हैं. और रीजनरेट कहां पर, कौन से सिग्नल को करते हैं हम लोग? डिजिटल सिग्नल को. रीजनरेट हम लोग किसको करते हैं? डिजिटल सिग्नल को. अंडरस्टैंड? ठीक है. एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? एग्जांपल कहां पर यूज करते हैं हम लोग रिपीटर? एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सपोज योर कॉलेज वॉन्ट टू प्रोवाइड द गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू योर हॉस्टल, सो एंड योर हॉस्टल इज फार अवे फ्रॉम द कॉलेज, सो
what we'll do, what we need to do, we need to place the repeaters in between the cable. We need to place the repeaters in between the cable to provide you the good internet connection. To provide the hostel good internet connection. Understand? Suppose your college want to provide repeater का हम लोग कहाँ पर use करते हैं? Your college want to provide good internet connectivity, provide good speed of internet and your hostel is far away from college, then we need to put repeaters in between the cable to increase the signal strength. Understand everyone? Understand? तो repeater का हम लोग यहाँ पर use करते हैं. ये भी आपकी एक networking device है. समझ आया सबको? अगला मेरा यहाँ पर है modem. तो modem की full form कोई मुझे बताएगा? Can anybody tell me the full form of modem? The full form of modem is what? Modulation plus demodulation. Okay. And what is the working of modulation? When we need to convert analog signal into digital signal. Okay. So in modulation mein kya karte hain tumhe batayega? मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल को रिसीव करके मॉडम उसको किस में कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में. ठीक है. तो इन मॉड्यूलेशन मॉडम विल रिसीव एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल सिग्नल. एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ डीमॉड्यूलेशन? जस्ट रिवर्स द रिवर्स द वर्किंग ऑफ द मॉड्यूलेशन. ओके. सो डीमॉड्यूलेशन में क्या करता है? कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल into analog signal. Understand everyone? Understand? So ये भी मेरी एक networking device है क्या? आपकी modem. समझ में आया सारे लोगों को? सो माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहता है सो मैं आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ. जस्ट लिसन मी केयरफुली. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी प्लस? देयर आर वेरियस एडवांटेज और वेरियस बेनिफिट्स टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस. फर्स्ट एडवांटेज इज व्हाट? यू विल गेट व्हाट? लाइव अनलिमिटेड क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर फ्रॉम द इंडिया. ओके. And you will also get what? Recorded videos. You will also get what? Recorded videos. You will get what? Test series. You will get what? Structured schedule. You will get what? Unlimited practice of questions. And you will also get what? Crash courses, rank improvement batches. Okay. So these all things you will get only at a single platform and in a very nominal fee. बहुत कम फी में सारी चीजें आपको एक ही platform पर मिलेंगी और बहुत ही कम फीस में. Understand everyone? So these are the benefits of the Unacademy Plus.
आइकॉनिक का बेनिफिट क्या है, हमारा पर्सनल कोच आपको असाइन किया जाएगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो और मेरा कोड यहाँ पर अगर आप यूज करते हो पी लाइव, क्या यूज करते हो पी लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? ठीक है। सो व्हेन यू विल टेक व्हाट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, देन यू विल गेट व्हाट पर्सनल कोच, वन टू वन कोच। मींस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क दैट प्रॉब्लम फ्रॉम दैट कोच। He will rectify your problem. He or she will rectify your problem. Understand everyone? You will get what study planner, okay? You will get what expert guidance. So these are the benefits of the Iconic Plus subscription, and these are the benefits of the Plus subscription. Sabhi ko samajh aa gaya? Sabhi ko samajh aa gaya? Theek hai? Chalo. तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन का मंथ चूज कर सकते हो। यू कैन चूज 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 12 मंथ का चूज करिए। थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में हो तो 24 मंथ का चूज करिए, क्योंकि इन दोनों की फीस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इन दोनों की फीस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी प्लान चूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, और आपकी फीस जो 12 मंथ की हो जाएगी वो हो जाएगी 22,500, जैसे आप मेरा कोड पीलाइव यूज करोगे। और 24 मंथ की जो आपकी फीस होगी ना, आपका डिस्काउंट वो कितनी हो जाएगी, 27,000। कितनी हो जाएगी, 27,000 आफ्टर यूजिंग माय दिस कोड पी लाइव। अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ आ रहा सबको? ठीक है। उसके बाद आइकॉनिक में भी आपका यही है, आइकॉनिक में भी आपका यही है। आप 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का कोई भी एक प्लान चूज करिए। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो 12 मंथ चूज करिए, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में 24 मंथ चूज करिए। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको तुरंत, एट इंस्टेंट, जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे पी लाइव। इस कोड को माय डियर फ्रेंड्स याद रखिए और यूज करिए बेनिफिट्स लेने के लिए। ठीक है, इस कोड को याद रखिए और यूज करिए 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मैं आपको थ्रू आउट गाइड करूंगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, टिल योर एग्जाम। अंडरस्टैंड? तो जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे पी लाइव, तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, आपकी फीस कितनी हो जाएगी, आपकी फीस हो जाएगी 40,500। कितनी हो जाएगी, 40,500। समझ में आ रहा है लोगों को? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लीजिए कि सर अनअकैडमी प्लस या इन सब में क्या फायदे हैं, या मतलब क्यों ज्वाइन करें। अगर आपके सिंगल डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस। अगर आप लोग 3 मंथ के लिए भी ज्वाइन करते हो ना, मान लो आप लोग रिविजन करना चाहते हो, आपका पहले से बहुत कुछ आता है आपको, If you want to go for revision, then join 3 month course. और जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे पी लाइव, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाना है, तो आपकी फीस हो जाएगी 11,200 के समथिंग। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ बिग अमाउंट, एंड दिस इज नॉट अ बिग अमाउंट आई थिंक। अंडरस्टैंड? और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा अमाउंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपकी लाइफ बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पर अच्छी रैंक ले आए तो आपकी लाइफ बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी, और आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बातें? बातें समझ आ रही है आप सबको? बोलो यस और नॉट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही वॉच करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, लोगों को बताइए कि यहाँ पर सेशन चल रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, टीओसी, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर आई थिंक, और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम खलील सर। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में आके हम लोगों को ज्वाइन करिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।